नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूं रीना। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहों की राशि परिवर्तन का प्रभाव हर जातक पर जरूर होता है। ग्रहों के राजा सूर्य अपनी राशि बदलकर 14 अप्रैल को मेष राशि से में गोचर किया था और ये यहां 14 मई तक विराजमान रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार सूर्य का पराक्रम साहस और मान सम्मान का कारक माना जाता है। सूर्य के मेष राशि में होने पर इन तीन राशियों को बहुत फायदा होने वाला है। जानते हैं कौन सी है वो तीन राशियां। पहली है मिथुन राशि। सूर्य के मेष राशि में विराजमान होने से मिथुन राशि के जातकों को काफी लाभकारी सिद्ध होगा। सूर्यदेव मिथुन राशि के 11वें भाव में प्रभावित होने से परिवार की आय में बढ़ोतरी हो सकती है और होगी भी। व्यापारिक संबंध मजबूत होने से आय के नए स्रोत भी बनेंगे तथा व्यापार को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा दूसरी है कर्क राशि। सूर्य को मेष राशि में विराजमान होना कर्क राशि के जातकों के लिए भी काफी फायदेमंद होगा। कर्क राशि के दशम भाव में प्रभावित है सूर्यदेव। यह भाव नौकरी और करियर का माना जाता है। इस राशि के जातकों को नौकरी का ऑफर मिल सकता है। व्यापारी वर्ग को काफी लाभ होगा। कार्यशैली में सुधार से कार्यस्थल पर काम की तारीफ हो सकती है। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है। ज्योतिष में चंद्रदेव और सूर्यदेव के बीच मित्रता का भाव माना जाता है, इसलिए इसका फायदा इस राशि के जातकों को भी मिलेगा। तीसरी है मीन राशि। सूर्यदेव का प्रभाव मीन राशि के दूसरे भाव में होना बहुत ही लाभदायक होता है। इस दौरान इन्हें कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इन्हें अचानक धन लाभ होने के योग बने हुए हैं। कोई धन जो लंबे समय से अटका हुआ है वापस मिल सकता है। प्रमोशन के अवसर मिलेंगे। विवाह के योग्य भी बने हैं। अविवाहितों का रिश्ता तय हो सकता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।